हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच जरूर ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर इसको किस प्राइस पे बाई करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं सब चीज़ों की, एंड एएसएम लिस्ट से रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होगी सभी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम एनएससी के काउंटर पे आज का प्राइस चेक करें तो जरूर ₹1.30 पे पूरे दिन भर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखा गया। यदि आप यहाँ पे देखें तो ₹1.30 पे पूरे दिन भर ट्रेड होता है, लेकिन बीच बीच में इसमें वोलेटिलिटी आई है एंड ऊपर की ओर भी देखने को मिला है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर डायरेक्ट ₹1.35 पे लग जाना जरूर इसके लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो यहां से दिखाई दिखाता है। एंड साथ साथ यदि बात करें तो यहां पे एनएससी काउंटर पे डायरेक्ट ₹1.35 पे आज के दिन अपर सर्किट पे बंद हुआ है, लेकिन आप ये मत मानिए कि यहां पे डायरेक्ट अपर सर्किट ही लगा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे वो अपर सर्किट लगना है। यहां पे अपर सर्किट अभी इतनी तेजी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यदि पूरे दिन भर अपर सर्किट लगता तो वो जरूर एक तेजी मानी जाती, लेकिन यहां पे पूरे दिन भर ₹1.30 पे ट्रेड होता रहा है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे डायरेक्ट यहां पे ₹1.35 पे पहुंच गया था। आप यदि बीएससी के काउंटर पर देखें तो वही प्राइस का एडजस्टमेंट आज के दिन लग रहा था कि होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिला। लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे एनएससी पे प्राइस बढ़ गया एंड बीएससी पे 1 पैसे कम हो गया, क्योंकि पूरे दिन भर ₹1.30 पे ट्रेड करता रहा एंड लग रहा था कि आज के दिन प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। उसी के साथ यदि आप एएसएम लिस्ट में देखें तो लगातार एएसएम लिस्ट से सुधार शेयर में होते रहे। इस समय कोई भी एएसएम लिस्ट में ना होना इस शेयर के लिए जरूर यहां पे तो एक पॉजिटिविटी दिखाता ही दिखाता है, क्योंकि यहां पे लगातार आपको एएसएम स्टेज 4 में देखने को मिला, फिर कुछ समय बाद एएसएम स्टेज 3 में देखने को मिला, फिर 2 में जाने को देखने को मिला, देन फिर काफी समय तक यहां पे स्टेज एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिला, देन आप अभी देखें एएसएम स्टेज से पूरी तरह से बाहर है। एंड क्या रीजन है कि एएसएम स्टेज से बाहर है? एक रीजन यहां पे यह भी है, जो यहां पे इनसाइडर थे वो यहां पे ट्रेडिंग करते थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ था, 31 मार्च को इनसाइडरों की ट्रेडिंग यहां पे बंद कर दी गई थी, जिसके कारण यहां पे एएसएम में सुधार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी की यदि बात करें क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने ऐसी नोटिफिकेशन जारी की है कि इसमें जो इनसाइडर है वो फिर से ट्रेड कर सकते हैं। उनकी जो यहाँ पे डेट्स बताई गई है 27 मई से यहाँ पे इनसाइडर फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिस कारण से इसे एएसएम स्टेज के बाहर रखना पड़ा। एंड जो यहाँ पे टॉप 15 इन्वेस्टर थे जिनके पास यहाँ पे होल्डिंग 25% से ज़्यादा हुआ करती थी, वो भी अभी यहाँ पे जो टॉप 15 इन्वेस्टर थे वो यहाँ पे अपना माल एडजस्ट करने को देखे हैं, कहीं ना कहीं बेचने को देखे हैं। तो अब टॉप 15 इन्वेस्टरों के पास यहाँ पे 25% का स्टेक नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे सेवी को अब लगा कि अब इसमें मतलब एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है डीआईस के द्वारा, जिसके कारण सेवी ने यहां पे एएसएम स्टेज से बाहर रख दिया, जो यहां पे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो बनके निकल के आती है। साथ साथ यदि आप बामन वीक हाई देखें इस ईयर का तो ₹4.90 एंड बामन वीक लो की बात करें तो 0.73 से भागता हुआ आपको पिछले साल यहां पे जून में ₹4.90 तक जाते हुए देखने को मिला था, वो भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स थे, जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स थे वो यहां पे 2021 के रिजल्ट्स थे, तो वो उस टाइम भी भागा था। देन यदि इस टाइम देखें तो जरूर यहां पर जून के लास्ट तक 5G की अपॉर्चुनिटी बताई जा रही, हो सकता है इस टाइम फिर से आपको एक अपसाइड मोमेंटम फिर से जून मंथ में देखने को मिल सकता है, ऐसा मतलब यहां पर एनालिस्टों के द्वारा बोला जा रहा है एंड हमारे द्वारा ऐसा लगातार बोला जा रहा है, हो सकता है फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आपको आने वाले समय में देखने को मिले। उसी के साथ यदि बीएससी के काउंटर पर देखें तो लगातार एनएससी के काउंटर पर देखें एएसएम सर्वे लाइन स्टेज से बाहर होना जरूर इस शेयर के लिए यहां पर पॉजिटिविटी तो है ही, एंड ₹1.30 का एक अच्छा क्रूशियल प्राइस काफी लंबे समय से चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे भी दिखती है। टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1262 टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 की फेस वैल्यू के साथ रहने वाले हैं। फेस वैल्यू एक इसकी जरूर यहां पे ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि इसकी फेस वैल्यू 10 की रहना जरूर एक अच्छी यहां पे गुड न्यूज तो दिखाती है। साथ साथ यदि आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें, ईयरली बेसिस की रिजल्ट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे तो इसने सेल्स अपने इंप्रूवमेंट किए हैं, एंड जो इंप्रूवमेंट सेल्स में आया है वो ओनली 53 करोड़ का इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मार्च 2021 में जो इनकी सेल्स निकल के आई थी पूरे साल में वो 1410 करोड़ की निकल के आई थी, देन यदि आप इस समय देखें तो 1463 करोड़ की सेल्स निकल के आई है, एंड कंपनी ने खर्चे भी ज़्यादा किए, ऐसा नहीं है। कंपनी के जो एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 983 करोड़ के थे वो इस समय 1051 करोड़ के देखने को मिले, तो कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा किए हैं, जिसके कारण कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 427 करोड़ का हुआ था लास्ट ईयर वो इस समय 412 करोड़ का देखने को मिला है, जिसके कारण कंपनी को जो नेट लॉसेस है बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। नेट लॉसेस का यहाँ पे मेन रीजन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो मेन रीजन यहाँ पे देखने को मिला वो 3 चीज़ें हैं।
फर्स्ट यहाँ पे यदि अदर इनकम देखें तो अदर इनकम में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। अदर इनकम जो 488 करोड़ की नेगेटिव में हुआ करती थी वो अभी 649 करोड़ के। सेकंड जो रीज़न है वो कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट, कंपनी का जो इंटरेस्ट लास्ट ईयर 663 करोड़ का गया था वो इस समय 734 करोड़ का देखने को मिला है, तो ये भी एक नेगेटिविटी का मेन रीज़न है। थर्ड जो रीज़न है वो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन थोड़ी सा यहाँ पे कम हुआ है, बट यदि आप देखें तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे 500 करोड़ के ऊपर है। ओके, तो जिस कारण से कंपनी का जो नेगेटिव है, जो लॉस है कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम बोलेंगे 1271 करोड़ का था, देन इस समय देखें तो 1475 करोड़ के नेट लॉसेस कंपनी को देखने को मिले हैं। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है एंड इंटरेस्ट इसकी मेन वजह रहा है। यदि कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ से थोड़ी कम होने को जरूर देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो भी यहाँ पर कंट्रोल होने में दिख जाएगा। इंटरेस्ट का मेन कारण है प्रमोटर्स के द्वारा 100% की होल्डिंग प्लेजिंग करना, ये इंटरेस्ट का यहाँ पर मेन कारण भी बन के निकल के आता है। एंड यदि ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी जबरदस्त गिरावट हुई है, 1.02 रुपए नेगेटिव पर शेयर चल रहा था वो भी 1.17 रुपए नेगेटिविटी पर शेयर पहुंच चुका है, जिसके कारण यदि आप यदि आज का डाटा देखें तो आज के दिन बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, 1.25 रुपए पर बाइंग प्रेशर तो देखने को मिला ही मिला है, 6 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी बाइंग के लिए लगी हुई थी 1.25 रुपए पर। सेलिंग प्रेशर 1.30 रुपए, 1.35 रुपए दोनों जगह देखने को मिला, तो 1.30 रुपए का आज का प्राइस जो निकल के आया एक अच्छा प्राइस यहाँ पर निकल के आया। लेकिन आप लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे देखें तो बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण ऊपर की ओर अपसाइड कर गया प्राइस एंड 1.35 रुपए पर लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर बंद होने को दिखा है। आप ये मत समझिए बाइंग प्राइस 1.25 रुपए पर तो 1.25 रुपए पर प्राइस जाएगा, नहीं, यदि बाइंग प्रेशर है तो शेयर का प्राइस मतलब ज़्यादा ऊपर की ओर जाने को दिखता है। उसी के साथ यदि आप टोटल बाइंग प्रेशर एंड टोटल सेलिंग प्रेशर आज के दिन बात करें तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है बाइंग प्रेशर के सामने, लगभग 2 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का सेलिंग प्रेशर रहा है, लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस क्रूशली ऊपर देखने को मिला है, जिसका यहाँ पर मेन रीज़न कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर 1.25 रुपए पर काफ़ी ज़्यादा था एंड वो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि अपर सर्किट लगा है, क्योंकि वो अपर सर्किट जो लगा है वो लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर लगा है। यदि आज के दिन यदि टेक्निकल एनालिसिस पर एक स्थिति डालें तो 50 डेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से अभी भी काफी नीचे है। एक बार यदि यहाँ पे 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज DMA को यदि काट जाता है देन फिर वहां से आपको एक अच्छी तेजी अपसाइड की तरफ दिख सकती है। जो इसका DMA इस समय है वो 1.51 रुपए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.51 रुपए, मतलब इसे 20 पैसे और बढ़ जाना चाहिए आपको 1.51 रुपए के यदि ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बकाया यदि आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो इस समय बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में 2.17 रुपए रहने वाली है। यदि आप लगातार इस शेयर के बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस तो कर ही लेना, साथ साथ वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे यदि हम वॉल्यूम एनालिसिस की आज की बात करें तो काफी बड़ा वॉल्यूम 18 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला है, जो यहाँ पर लगातार पिछले वॉल्यूमों से काफी बड़ा है। यदि पिछले वॉल्यूमों की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 9 करोड़ के वॉल्यूम आ रहे थे, आप यदि इस समय देखें तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम 18 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पे सामने आते हुए देखा गया है, जो अगेन यहाँ से इस शेयर के लिए पॉजिटिविटी बता ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें पिछली हिस्ट्री में यदि इसकी हिस्ट्री देखें तो इस मंथ में 1-2 मंथ ये इसके लिए जरूर प्रॉफिटेबिलिटी का सौदा रहते हैं, इन 1-2 मंथ में काफ़ी ज़्यादा तेजी से अपसाइड ट्रेंड में पिछले कई सालों से रहा है, तो हो सकता है फिर से यहाँ पे अपनी हिस्ट्री अगेन यहाँ पे रिपीट कर सकता है। यदि इस समय देखें डिलीवरी भी देखें तो 7-7 करोड़ शेयरों की डिलीवरी उठने को देखने को इस समय मिल रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। यदि NSE के काउंटर पर बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की क्वांटिटी ट्रेडिंग देखने को मिली है, जिसके कारण डिलीवरी 4 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की यहाँ पर देखने को मिल गई है, जिसके कारण 44% की डिलीवरी बड़ी डिलीवरी सामने आने लगी है। क्वांटिटी वाइज 4 करोड़ की वहाँ 2 करोड़ की यहाँ लगभग 7 करोड़ से ऊपर की डिलीवरी आज के दिन उठा ली गई है। क्वांटिटी ट्रेडिंग 18 करोड़ से ऊपर की देखने को मिली है। ASM लिस्ट से बाहर जाना, इंटरडे स्टार्ट होना एंड देन शेयर में फिर से एक अच्छा वॉल्यूम आना इस शेयर के लिए आने वाले समय में एक अच्छे लेवल आपको दिखा सकता है। उसी के साथ यदि बात करें TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में 4% आपको कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दी है इस शेयर ने। एंड TTM का यदि डाटा देखें तो यहाँ पे मतलब 2 डिजिट में कहीं भी डाटा नहीं है। एक यहाँ पे 1 ईयर के जो रिटर्न है स्टॉक प्राइस CAGR वो जरूर यहाँ पे 73% यहाँ पे है, क्योंकि 75 पैसे से भागता हुआ शेयर इस समय 1.30 रुपए पे जा पहुँचा है, तो ये थोड़ी यहाँ पे ठीक ठाक है। बका यदि आप देखें तो बड़े वॉल्यूम के साथ शेयर में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम है देन आप यहाँ पे देख सकते हैं तेजी आई है एंड यहाँ पे यदि बड़े वॉल्यूम है तो यहाँ पे तेजी है, तो बड़े वॉल्यूम के साथ शेयर में बड़ी तेजी आती है।
आज के दिन भी वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिले तो आने वाले समय में एक तेज़ी की आशा यहाँ पर की जा सकती है। बकायदे बात करें किस प्राइस पर बाई करें तो ये अच्छा प्राइस है आपको बाई करने का, बट एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर कर लें कि शेयर इसको कितने, एंड सबसे बड़ी बात कि आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से भी कोई शेयर खरीदें, क्योंकि पेनी स्टॉक है, हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी है, ये भी आप मान के चलें, लेकिन रिस्क भी हाई रहता है इन सभी शेयरों में। बकाया यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।